सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आप सभी देख रहे हैं बैटल किंग शुभ और मैं हूं आपका होस्ट शुभम। और आज मैं भाई आ गया हूं आप सभी के लिए अपना फर्स्ट व्लॉग लेकर। तो मेरा व्लॉग कुछ स्टाइलिश तरीके से है, मतलब मैं अपना थोपड़ा आपको नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको पूरा इलाका बस दिखाऊंगा। तो हम लोग अभी हैं भुटवल में, जो कि है नेपाल में। तो हम लोग जाने वाले भुटवल के एक प्रसिद्ध है पॉपुलर पार्क में। तो ये है, देखिए ये पहाड़ी इलाका है, तो इस पहाड़ी इलाके से हम लोग जाने वाले हैं। तो वो भी पार्क पहाड़ी पे ही बसा हुआ है, तो हम लोग जा ही रहे हैं। अरे बटला, मेरा भी नाम रोरा, मैं हम भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ में ना भाई, मेरा को भी इंट्रोड्यूस कराओ। ओके भाई, तो आप लोग सभी इसको जानते होंगे, ये है चिंपू जो मेरे साथ हमेशा बात करता रहता है आप सभी से। तो इसके साथ भी मैं आया ही हूँ। तो ये देख लीजिए, हम लोग गाड़ी हम लोग का पार्क पर चढ़ चुका है। और ये व्यू भाई, कितना मस्त व्यू आ रहा है भाई, ये देख सकते हैं आप लोग, दूर दूर तक पहाड़ दिख रहा है। अगर इस तरह मैं गिरा तो मेरा तो चितरे उड़ जाएंगे बटर भाई, मेरे को पकड़ ले बटर भाई, तुम ये वीडियो बनाओ, मैं पीछे कराऊं। अच्छा तू जा टिकट ले, मैं तब तक ये व्यू रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूँ, इस पार्क में जाने के लिए आपको टिकट बाय करना पड़ेगा, बिना टिकट के नहीं जा सकते। अगर आप लोग यहीं नेपाल के ही हैं तो आप सभी को थोड़ा सस्ता में पड़ जाएगा, बता अगर आप लोग टूरिस्ट हैं और आप लोग दूसरे कंट्री जाएँ तो आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा टिकट। और ये देख सकते हैं भाई, कितना मस्त व्यू आ रहा है, दूर दूर तक बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और मेरे लेफ्ट साइड में दूर दूर तक पहाड़ ही नज़र आना है। तो ये देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में देखिए कितना पहाड़ है। और ये मैंने जूम किया है, देखिए जूम आउट करते ही क्या हो रहा है। अरे भाई पैसे कम पड़ रहे हैं, आ जाओ जल्दी, आओ वीडियो जल्दी शूट करो। अरे दे दे पैसे मेरे से, बाद में ले लियो भाई, क्या तुझे को पैसे कम पड़ रहे हैं। अरे रुक मैं अभी आ रहा है, थोड़ा शूट कर लूँ। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त एरिया है, और वो एरिया है कुछ पहाड़ पे जाने के लिए, ये पार्क का एरिया नहीं है, पार्क का एरिया हमारे पीछे साइड है। तो चलिए पार्क के अंदर चलते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं और मैं और चिंपू दोनों जन अंदर आ चुके हैं। तो भाई चिंपू, टिकट कितने का पड़ा? अरे बैटल भाई, यही 80 रुपये नेपाली लगे और इंडियन 50 रुपये लगे भाई। चल छोड़ कोई नहीं, इतना मस्त व्यू मिल रहा है। तो भाई मैं आप सभी से एक दिखाना चाहता हूँ, एक बहुत ही मस्त चीज़ भाई, इस पार्क के अंदर एक जू भी है और जिसके अंदर बहुत सारे जानवर भी हैं। तो मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ उन सबको भी, और आप सभी के लिए एक लास्ट में, हर लास्ट में वीडियो में आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। तो पूरा वीडियो देखना, ये नहीं कि लास्ट में तुरंत अभी देख लें मैं बोला तो लास्ट में देखिएगा उसको। तो सबसे पहले आप लोग ये पार्क का थोड़ा टूर ले लीजिए। और चिंपू कैसा लग रहा है यहाँ के? अरे होगा कोई राजा महाराजा बैठा हुआ, तेरे से क्या उसको लेगा, तू घूमना आराम से इधर। चलो ठीक है बैठा भाई, मैं जरा टॉयलेट होके आता हूं, आप तब तक वीडियो बनाओ। ओके तू जा, मैं तब तक अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शूट करता हूँ, जा जा जल्दी जा और जल्दी आइयो, गायब मत हो जाना। ठीक है बैठा भाई, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप लोग जू के पास जाइए, मैं जू के पास मिलूंगा आपसे। चल ठीक है, जू के पास मिलना। भाई चिंपू तुम्हारा गया टॉयलेट करने, तो चलिए हम लोग अपने व्यू को फिर से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, ये एक ब्रिज था, तो इस ब्रिज पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम लोग को जाना है पार्क में। और ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी वॉकिंग ड्यूरिंग शूटिंग, तो वो शूटिंग एक बहुत ही स्पेशल वीडियो की थी, तो उसको अभी हम लोग बना रहे हैं। तब तक के लिए हम लोग टूर पर आ गए थे, तो मैंने क्यों सोचा कि अपना पहला व्लॉग ही डाल दिया जाए, तो इसलिए मैंने अपना पहला व्लॉग बना लिया। तो हमारे दूसरे मित्र जो कि मेरे भाई भी हैं, तो वो भी अपना सेल्फी वेल्फी ले रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये देख लीजिए, ये है इंट्रेंस जू का। तो चलिए सबसे पहले हम अपने पहले एनिमल को देखते हैं, और ये है एक गिनी पिग, एक नहीं बहुत सारे हैं अंदर, कहाँ गए यार, ये रहे साइड में। तो एक गिनी पिग है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग खरगोश के जैसे दिखते हैं, और कुछ लोग गिनी पिग को खरगोश भी समझते हैं, पर ये गिनी पिग खरगोश नहीं होते हैं। और फिर हमारे अगले हैं जो कि हर जगह पर देखने को मिलते हैं, रेड मंकीज, या फिर मंकी का लाल हो पीला हो कुछ भी हो, मंकी तो मंकी ही होता है। तो ये बंदर सब देख लीजिए हरकत कर रहे हैं, इनको हटाते हैं। और ये है जॉकॉल, और ये क्या, ये कुत्ता मारा पड़ा है क्या? ओ ये तो वही है, लेटा हुआ है, तो इसको चलिए हटते हैं इधर से, ये तो सोया पड़ा है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले तरफ। तो अगला क्या है? टर्की। ये क्या होता है बैटल भाई? अरे ये तो मुर्गे हैं, चलो इनको फ्राई करके खाते हैं। अरे पागल, ये मुर्गे नहीं, ये लोग उनके जैसे हैं समझा। और इधर के किसी एनिमल को भी छुआ ना तो तेरे को जेल हो जाएगी, या फिर तेरे को मार भी पड़ सकती है, समझा ना। आराम से व्यू का मजा ले, और मेरे को बात करने था अपने व्यूअर से। तो भाई देख सकते हैं, ये है अगला हमारा रैबिट। तो ये देख सकते हैं रैबिट, देखिए अलग में है, और वो
गिनी पिग अलग में थे। तो भाई इससे साफ आप लोग जाहिर कर सकते हैं यहाँ कि दोनों अलग अलग प्रजातियाँ हैं। तो हमारा नेक्स्ट है पाइथन, अजगर भी कहते हैं हम लोग इसे। तो ये भाई एकदम साइड के पेड़ के कोने में देखिए पड़ा हुआ था, मैं जूम करके ये देख लीजिए, दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये बाहर नहीं निकल रहा था, जब मैं पिछली बार आया था तो ये पानी में था, पानी में तो थोड़ा सही से दिख रहा था। और ये हमारा भालू, अरे भालू भैया क्या कर रहे हो, जब मैं पिछली बार भाई आया था यहाँ पर तो हमारे भालू भैया आराम से सुस्ता रहे थे, और इस बार ये हमारे सामने डांस कर रहे हैं। अबे पागल है क्या, वो भालू देख रहा है कैसे पिंजड़े के पास एकदम आया है, सेल्फी लिवाएगा, चल चल आगे चल। तो भाई ये देख लीजिए आप लोग, ये है हमारे चीता, और ये शिफ्ट कर दिया गया इसको इस जगह पर, और ये देख लीजिए ये तो निरीक्षण कर रहे हैं क्या अपने पिंजड़े का। ओए चीता ओए इधर इधर, सेल्फी एक ले रहा है तेरे साथ। अच्छा चल हो जाती है गलती सबसे, चल छोड़। तो भाई ये हमारा चीता है, अब यहाँ का जू का टूर होता है ख़त्म। और मैंने जो आपसे कहा था लास्ट में सरप्राइज़ है, वो आपको लास्ट में एक सरप्राइज़ में आपको दिखा दूँगा। तो चलिए फिर से हम अपने आ जाते हैं टूर पर। और ये एरिया है भाई कैंपिंग एरिया, ये साइड में बना है, अगर आप लोग कैंपिंग करना चाहते हैं तो इधर कर सकते हैं। और ये भाई रास्ते देखिए कितने बढ़िया हैं, और ये मेरा परछाई, वैसे कैमरामैन मैं खुद बना क्या बताऊँ अपना दुख। हाँ हाँ तू तो रहने दे भाई, तू रहने दे मैं कर लूँगा चल। तो देख सकते भाई लोग, मैंने आपसे कहा था हम लोग आएंगे ब्रिज पर, तो ये देख लीजिए ब्रिज कितना बढ़िया व्यू आया, छोटा सा ही है बट बढ़िया है पिक लेने के लिए, फोटो वोटो खींचने के लिए। और ये सामने किसके मुँह से पानी है, हाँ हाँ जा पी ले, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा होगा किधर से, पागल पानी पिएगा, चुप चाप रहे हो पीछे पीछे आ, तो छोड़ी सबको चल। अच्छा ये बता चिंपू, तुझे को यहाँ पर अच्छा लग रहा है? मजा तो आ रहा है, हरी हरी घास और साथ में लकड़ियाँ भी देख रहे हैं, कितनी सारी लकड़ियाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं। चल छोड़ तेरा से बात करना बेकार है, लड़की लकड़ियाँ देख रहा है खाली। तो भाई लोग अब हम लोग काफी करीब है अपने सरप्राइज के, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये दिखा रही हूँ साइड साइड में ये जालियाँ क्यों लगी हुई, ये इसलिए लगी हुई है कि ताकि कोई अंदर घुस ना जाए। और भाई इसको काफ़ी मेंटेन करके रखा गया है, और एलिफेंट और राइनो का मज़ा लेने के लिए उसके लिए स्टैचू लगा दिया गया है, शायद ये लोग जल्दी ही लेकर आए इन सबको भी। तो ये एलिफेंट और बगल में राइनो देख सकते हैं आप लोग, बड़ा के साथ छोटा, और ये साइड में एक छोटा सा झरना टाइप है, ये देख सकते हैं जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, जैसे लग रहा है साथ में दोस्त। अच्छा छोड़ो, तो ये देख लीजिए हमारा सरप्राइज था ये, और ये सरप्राइज था बैटल भाई, ये नहीं वाह वाह क्या सरप्राइज था बैटल भाई, क्या हीरा है ये देख लीजिए, ओहो वाह बैटल भाई क्या सरप्राइज। चल चल अब मस्का मत लगा, तू बार बार देखा है तो हमारे व्यूअर्स शायद कुछ लोग हों जो ना देखे हो, तो उन सब के लिए है समझा, तेरे को नहीं समझ आएगा। तो ये भाई देख सकते कितने सुंदर है, और यहीं पर हमारा वीडियो होता है एंड। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, आई एम बटल किंग साइनिंग आउट विथ माय चिंपू फ्रेंड।